महिलाएं भी हैं दीपांकर, अगर इस यूसीसी बिल की बात की जाए, खास तौर पर महिलाओं के अधिकार को लेकर इसमें बहुत कुछ है। उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, महिलाओं को अधिकार बेटों के समान ही दिया गया है, इद्दत हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं उसे खत्म करने की बात हो रही है। जो महिलाएं हैं उनके बीच में इसे लेकर किस तरह की चर्चा है? बिल्कुल निर्भरसा, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं हैं जो देहरादून के आसपास के इलाकों की है, उनके बीच बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं इसको लेकर है। उनका यह कहना है कि आपको शरीयत को भी मानना है लेकिन आपको कानून को भी मानना है। यूसीसी का ड्राफ्ट टेबल हो चुका है, आपका यह कहना है कि अब हमें भी हक मिलेगा, बेटी का भी हक होगा संपत्ति पर, इस बात को लेकर आप खुश है? बिल्कुल खुश है, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, बेटा बेटी ये समान एक समान होना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मैं देहरादून की उत्तराखंड की भूमि से मतलब बिलोंग करती हूँ। मुझे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं पूरे भारतवर्ष में, मुझे गर्व है कि हाँ जो हमारे मतलब कुरान में शरीयत से जो है मुझे उस पर भी गर्व है, लेकिन हमारे कोई हलाला उलरा नहीं है, ये सब गलत वो बना रखी इंस्टेंस इन्होंने। हाँ अब कानून से अब जो हो रहा है बराबर मतलब चला रहे हैं मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और पुष्कर सिंह धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने सब महिलाओं को सम्मान किया, सम्मानित किया मतलब, और सम्मान देकर उनके रोजगार के लिए कदम उठाए और सबको एकजुट किया। आपने एक बात कही कि हम शरीयत को भी मानेंगे, हम कुरान को भी मानेंगे, लेकिन हम यूसीसी को भी मानने को तैयार है। ये यूसीसी क्या है पहले तो हमें यही नहीं पता, नॉलेज नहीं है। सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक कानून है। हाँ जी सबके लिए एक कानून है। आपने ये भी कहा कि हम शरीयत को भी मानेंगे। हाँ जी शरीयत को भी मानेंगे हम अपनी, लेकिन शरीयत को भी सबने गलत सलत झूठ उड़ा रखी कि हलाला होता है, हलाला कुछ नहीं है, ये सब अपनी बनाई हुई प्रक्रिया है ये मुसलमानों की, जिसे पता नहीं है वो भी फालतू में मतलब अपने बस देने बताने से मतलब है, किसको कुछ नहीं पता। नहीं, पर एक बात आती थी तलाक की, जिस तरीके बात है कि तलाक तीन तलाक की व्यवस्था खत्म हुई, कानून बना, अब आपको लगता है इससे और सुधरेंगी? कैमरे में देखो, कैमरे में जी सुधरेंगी, क्यों नहीं सुधरेंगी, पुष्कर सिंह धामी ने इतना अच्छा करा तो क्यों नहीं सुधरेंगी, सुधरेंगी नहीं। पर अब जो दिक्कतें हैं, जो बात ये कही हलाला वलाला जो तमाम तरह की बातें आई, वो आपको लगता है सुधार होगा या कुप्रथाएं हैं आपके यहाँ? नहीं, वो जो हमारा धर्म है वो जो हमारे धर्म में है वो तो है ही, खैर उसे तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कानून में भी होना चाहिए। पर बेटी को संपत्ति मिलेगी, इस बात को आप सही मानते हैं? हाँ जी, हमारे जरिए से, हमारे जरिए से आगे तक बात पहुंचेगी तो जरूर मिलेगी, मिलनी चाहिए। हाँ जी मिलनी चाहिए, जो बेटी को जरूरत है मिलती है। नहीं अभी नहीं मिलती है, अभी तो कोई भी कानून नहीं है, मिलना चाहिए बेटियों को। एक बात ये कही जाती है कि आप क्या महिलाओं का वर्चस्व कम है, पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा है, वो जो चाहते हैं वो होता है, जो फतवा आता है वो होता है, ये गलत है ना, क्योंकि न्यू जनरेशन है, अब नई सोच है, सब मतलब पढ़े लिखे हैं, पहले था, अब तो सब बराबर चल रही है, बराबर चल रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बराबर हो रहा है सब कुछ। दीपांकर बस इनसे एक सवाल और पूछ लीजिए, दीपांकर एक सवाल और पूछ लीजिए, क्योंकि अब जैसे मौलानाओं से बात होती है वो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये दखल होगा, यूसीसी हमारे धर्म के साथ या फिर मुस्लिम जो मैरिज एक्ट है उसके साथ ये यूसीसी खिलवाड़ है एक तरह से, बहुत तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर आ रही है। क्या इनको भी लगता है कि क्या उनके धर्म के साथ किसी तरह का कोई गलत होगा अगर एक समान कानून ले आया जाता है? जल्दी से इन महिलाओं से पूछिए। देवबंद जहाँ से फतवे आते हैं, देवबंद आपको पता होगा, वहाँ की महिलाएं कहती है गलत हो रहा है, हम तो कुरान को ही मानेंगे, हम तो फतवों को ही मानेंगे, हम इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक ठेकेदारी की महिलाएं हमारे हिसाब से चले, आप मानती है वो खत्म होगा इससे? जब बिल्कुल खत्म होगा, जब सबको पता लगेगा, सबको समान वो मिलेगा, एक समान मतलब मिलेगी, सब उसमें रहेंगे, कानून के दायरे में होगा। पुरुषों का रिएक्शन क्या है, वो विरोध में है या पक्ष में? नहीं पक्ष में है, पक्ष में है, विरोध में नहीं है, पर हम यही चाहते हैं कि लड़कियों को रोजगार भी मिले, उसके जरिए से वो आगे बढ़े, अपने पढ़े लिखे। बिल्कुल दीपांकर, लड़कियों को सम्मान मिले, रोजगार मिले, उनको एक लड़कों के बराबर अधिकार मिले, और इसी को लेकर अब ये जो महिलाएं हैं वो यूसीसी का समर्थन करती दिखाई दे रही हैं। अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर इस पूरे यूसीसी बिल को देखा जाए, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, एक कानून की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म की, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, या समान कानून की बात हो रही है उसको लाने की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हमेशा से बात उठती रही है। अनुपम, देखिए जो ओरिजिनली बात थी, जब ये ड्राफ्ट कमेटी बैठी थी उस समय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जरूर बात हुई थी, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात करते करते मैं इस बिल के कुछ पॉइंट्स देख रहा था, उसमें जनसंख्या वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है। अच्छा। तो उसका मतलब ऐसा लगता है कि इसको फिलहाल
बाहर रखा गया है जनसंख्या नियंत्रण वाले मामले को, क्योंकि इसमें देखिए समाज में अलग अलग जो वर्ग हैं, कहीं पर कहीं ऐसी समाज में है जहां जो कामकाजी लोग हैं, जो कामकाजी वर्ग है, उनको लगता है कि शायद जितने घर में हाथ होंगे उतनी घर की अर्निंग ज्यादा होगी, तो वो भी एक कंसेप्ट होता है। फिलहाल इस पॉइंट को जो मैं ड्राफ्ट पढ़ पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, उसमें बाहर रखा गया है शेड्यूल ट्राइब्स को, जो आपके अनुसूचित जनजाति होती है, फिलहाल उनके भी कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ नहीं है। तो लेकिन इसमें ये जरूर प्रावधान है कि समय समय पे इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो ये चीजें बाद में जुड़ सकती है संभवतः। लेकिन ये फिलहाल बड़ी चीज है कि एक रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे अभी दीपांकर बात कर रहे थे, महिलाएं इस बात को कह रही हैं कि हाँ, अगर हमारे फेवर में है, हमें अधिकार मिलता है तो होना चाहिए। तो ये जो आप उनसे सवाल अलग अलग रहे, लेकिन अच्छी बात यह है अनुपम जी की उत्तराखंड की जो मुस्लिम महिला है वो इसके पक्ष में यूसीसी के। लेकिन देवबंद से उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हैं, वहां पर भी कुछ मुस्लिम महिलाएं उनके साथ थी, वहां पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं उमेश, जरा बातचीत करें।